यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट। लास्ट 1 मंथ से बहुत से ना 12th स्टूडेंट के बच्चों का रिजल्ट लगा है, तो बहुत से बच्चे प्रिपरेशन करना शुरू कर चुके हैं या इंक्वायरी के लिए उनके कॉल आते हैं या विजिट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड कोयल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट। लास्ट 1 मंथ से बहुत से ना 12th स्टूडेंट के बच्चों का रिजल्ट लगा है, तो बहुत से बच्चे प्रिपरेशन करना शुरू कर चुके हैं या इंक्वायरी के लिए उनके कॉल आते हैं या विजिट करते हैं, तो बहुत से बच्चों को सिलेबस नहीं पता, यूपीएससी उनके लिए नया है, तो वहाँ होता है ऑप्शनल। सो वो बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि ऑप्शनल क्या है, फिर ऑप्शनल्स में हमें ऑप्शंस कितने हैं, हम कौन से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, और इसमें भी मतलब आपका वेटेज कितना है, कितने मार्क्स के लिए होते हैं, बहुत से उनके क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि वो नए हैं प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, उनको नहीं पता। तो ये स्पेशली वीडियो वो बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट की है। सो इस टॉपिक में हम ये क्लियर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल में आपके पास ऑप्शंस होते हैं 26 आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। 26 ऑप्शनल में से आप कौन सा भी एक ऑप्शनल ले सकते हो, वो होता है 500 मार्क्स के लिए, और 500 में भी होते हैं 1 पेपर 2, ईच पेपर इज 250 मार्क्स एंड सेकेंड पेपर इज 250 मार्क्स। मतलब आपका जो ऑप्शनल है वो है 500 मार्क्स के लिए, उसमें भी पेपर दो होते हैं, पेपर वन 250 मार्क्स के लिए और पेपर टू 250 मार्क्स के लिए। तो इस प्रकार आपका ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी एग्ज़ाम्स में, स्पेशली मेंस में। और आपके पास 26 ऑप्शनल है, इसमें बहुत से हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, देन आपका है जूलॉजी, देन बॉटनी, उसके बाद फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स है, सोशोलॉजी है, देन पब एड है, इसके साथ आपका एंथ्रोपोलॉजी है, आपका एनिमल हस्बेंड्री है, ऐसे बहुत से आपके पास ऑप्शंस है, टोटल 26 आपके पास ऑप्शंस है। बट 25 तो ये सब सब्जेक्ट्स है, लास्ट में आता है आपका साहित्य, जिसे हम लिटरेचर कहते हैं। तो लिटरेचर क्या है, अब 26 जो सब्जेक्ट है लास्ट वाला, उसमें लिटरेचर आते हैं, और लिटरेचर आपके बहुत से होते हैं, उसमें भी 23 ऑप्शन है आपके पास लिटरेचर में। अब लिटरेचर में ऑप्शंस कौन से हैं वो हम देखते हैं। एक होता है एग्जांपल मराठी, हिंदी, संस्कृत, मैथिली, तमिल, तेलुगु, ये एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसे 23 स्टेट के रीजनल जो लैंग्वेज है, जो रीजनल उनका कल्चर है, वो होता है आपके पास रीजनल लैंग्वेज के लिटरेचर्स। जैसे महाराष्ट्र वाले मराठी लिटरेचर ले सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर, बिहार की जो रीजनल लैंग्वेज मैथिली है, मैथिली लिटरेचर होता है, उसके बाद तमिलनाडु का तमिल लिटरेचर, आंध्र प्रदेश का तेलुगु लिटरेचर, ऐसे आपके पास 23 लिटरेचर ऑप्शंस है। मतलब आपके पास कुल मिला के 26 और 23, ये अगर आप लिटरेचर हटा देते हो तो 25 एंड 23 कितना होता है, 48 आपके पास यूपीएससी ऑप्शंस, आपके पास 40 है ऑप्शनल में। सो 48 ऑप्शंस में से आप कौन सा भी एक ऑप्शनल एज अ विकल्प सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, और वो 500 मार्क्स के लिए रोल प्ले करता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होता है, तो प्लीज़ जब भी आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हो बहुत सोच समझ कर करिए। इनफैक्ट जो बच्चे नए हैं मैं उनको ये गाइड करूँगी, पहले आप जीएस का सिलेबस पढ़ ले, या मेंस की या प्रीलिम्स की आप तैयारी शुरू करें,
आपका जो ऑप्शंस होता है, सॉरी आपका आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो होता है 4 to 5 months की ड्यूरेशन में ख़त्म हो जाता है। तो पहले प्रीलिम्स मेंस की स्टडी करिए, आफ्टर आप जब जीएस पढ़ते हो उसके बाद देन डिसाइड करिए कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है पढ़ने में। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाती तो ऑप्शनल के लिए आपको एक यू नो ईजी वे हो जाता है, देन आप अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हो और अपने 500 अच्छे से स्कोर कर सकते हो। दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट, स्टे काम स्टे फोकस।